दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर एक साल से चल रहे आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक आज दोपहर बाद होगी। इस बैठक में होने वाले फैसलों पर देशभर के लोगों की नजरें टिकी हैं। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति को तय करने के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और अकाली दल दोनों से बात जारी, गठबंधन की संभावना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट और कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रदेश और देश के बाहर से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 टीमें मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसी माह से प्रदेश सरकार हर गांव और शहर को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करेगी। दिल्ली के LNJP अस्पताल में पिछले दो दिनों में विदेश से आए 12 लोगों को एडमिट कराया गया है, जिसमें से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनके सैंपल वॉर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं ताकि वेरिएंट का पता लग सके। वहीं बाकी 4 के सैंपल दोबारा टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपनी मुंबई यात्रा के दौरान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के अस्तित्व पर सवाल उठाने के दो दिन बाद शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखने का मतलब फासीवादी शक्तियों को मजबूत करना होगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा अवदाब चक्रवात जवाद में तब्दील हो गया है। इसके रविवार को उड़ीसा में पुरी के पास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक चक्रवात के आज उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के पास पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पहुंचने की संभावना है। पद्मश्री से सम्मानित पंजाब के पूर्व DGP SS विर्क सरदीप सिंह समेत शिरोमणि अकाली दल के 5 नेता भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कर्नाटक में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज होटल से भाग गया है। कर्नाटक की सरकार इसके साथ ही 10 लापता यात्रियों की भी तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल के रोसैया का आज सुबह निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने यह पता लगाया है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ संभावित सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है और यह 2022 की शुरुआत में हो सकता है तथा इसमें करीब 1,75,000 कर्मियों के शामिल होने की आशंका है। For latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.